गुड मॉर्निंग एवरीवन। अब बेटा बहुत हो गया गुड मॉर्निंग, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 ये हो गया हमारा, और अपनी जो बुक के अंदर इस बुक में मिस प्रिंट है बेटे, तो आप अगर बुक के क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्वेश्चन को सोल्व करोगे तो आपके आंसर शीट में मैच करने की जरूरत नहीं है, और अगर आंसर शीट से आपको मैच करना है तो फिर क्वेश्चन को चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। तो हम क्वेश्चन चेंज क्यों करेंगे, आंसर शीट को ही चेंज कर देंगे ना, ठीक है। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है बेटा, आप सीधी बात बताओ, आपको अपने आपके पापा ने 100 रुपीज दिए और बोला इसको आप 4 पार्ट में डिवाइड कर लो, तो अब 1 पार्ट के लिए आप क्या करोगे, 100 में 4 का डिवाइड करोगे कि नहीं है, बताओ। तो कितना है 1 पार्ट, 25। तो सेम पैटर्न है बेटे, 2 लीटर में जो व्हीकल है वो कितना चल रहा है, 2 लीटर में वो चल रहा है 743.2 किलोमीटर। अब मुझे बताना है 1 लीटर में कितना चलेगा, तो इसमें 2 का डिवाइड कर दूंगा, 1 लीटर के लिए किसका 743.2 में 2 का डिवाइड कर दूंगा, बात समझ में आ रही है। लेकिन उसने यहाँ पे 2 नहीं बोला था, कितना बोला था, 2.4 बोला था, तो हम यहाँ पे 2.4 का डिवाइड कर देंगे, कोई प्रॉब्लम। सेम हमने क्वेश्चन किया था, हमारा कुछ 309 कुछ क्वेश्चन ऐसे आंसर आया था, ठीक है, तो करेक्ट आंसर था, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप चाहो तो मैं इसको फिर से कर दूंगा, अदरवाइज हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 करना चाहेंगे। चल कोई नहीं, देख लो एक्सरसाइज 2.7 एंड क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन क्या है बेटे, एक बार मैं रीड करता हूँ आपके सामने। ए व्हीकल कवर्स ए डिस्टेंस ऑफ 743.2 किलोमीटर इन 2.4 लीटर ऑफ पेट्रोल। 2.4 लीटर पेट्रोल में एक व्हीकल है वो कितनी डिस्टेंस कवर करता है बच्चों, 743.2, समझ गए। अब हमें यह बताना है कि 1 लीटर में वही व्हीकल कितनी डिस्टेंस कवर करेगा, तो आधी हो जाएगा, हाफ हो जाएगी। तो उसके लिए क्या करोगे, ऐसे लिखना है, इसको लैंग्वेज से करना है, तो क्या करोगे, टोटल डिस्टेंस कवर्ड इन 2.4 लीटर्स ऑफ पेट्रोल कितनी है बच्चों, 743.2 किलोमीटर। देन डिस्टेंस कवर्ड इन 1 लीटर पेट्रोल, उसके लिए क्या करोगे बच्चों, 743.2 के अंदर डिवाइड कर दो किसका, 2.4 का। देखो पॉइंट के बाद इसमें भी 1 डिजिट है, इसमें भी 1 डिजिट, जब ऐसा हो कि भी पॉइंट के बाद डिजिट के नंबर सेम हो तो आप पॉइंट को हटा सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे दोनों में देखो, पॉइंट के बाद इसमें 1 डिजिट है और इसमें भी पॉइंट के बाद 1 ही डिजिट है, तो जब सेम डिजिट हो मतलब इनकी वैल्यू कुछ भी हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, ये 2 है ये 4 है, वैल्यू अलग अलग है, लेकिन ये कितने सिंगल डिजिट है, इसके बाद इसमें भी सिंगल डिजिट है, तो आप पॉइंट को हटा सकते हैं। तो ये आ जाएगा 743.2 डिवाइड बाई 24। अब इसमें इजीली आप डिवाइड कर सकते हैं, मैं आपके तरीके से सिंपल तरीके से करके दिखाता हूँ, 743.2 डिवाइड बाई 24। इसमें देखें 24 का तो 3 टाइम में गया, 24 3 72 कितना आता है बच्चों, देखो 4 3 12 का 2 1 कैरी, अब 2 3 6 और 1 कैरी कितना हो बेटे, 7, तो 72 आता है। 4 से 2 माइनस करोगे तो कितने बचेंगे बच्चों, 2, 7 से 7 गए, 0 लिखने की जरूरत नहीं है। अब किसका नंबर आएगा, 3 का, 3 को नीचे लाएंगे तो 23 हो गया। अब 24 का डिवाइड 23 में नहीं जा रहा है तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, 0। तो अब हम किसका नंबर ले सकते हैं, 2 का, तो अब 24 का डिवाइड 232 में देंगे तो बेटे 9 टाइम जाएगा, कितने में जाएगा, 196 में जाएगा, क्योंकि 224 टाइम जाए तो कितने होते, 240 होते, जो इससे ज़्यादा है, और 24 9 जाए होते हैं 196 या फिर 216 सॉरी, कितना होता है, 216 9 टाइम में, तो 216 में जाएगा 9 टाइम, तो हमारे पास 16 लेफ्ट रहेगा बच्चों। तो मैंने क्या किया था, 16 रिमाइंडर ऊपर लिखा था और 24 नीचे लिखा था, तो इसको सोल्व करेंगे तो 309, और इसको सोल्व किया तो 8 से निकालो, 8 2 16 और 8 3 24, तो 2/3 किलोमीटर, ठीक है, ये आंसर मैंने लिखवाया था जो करेक्ट आंसर है, कोई प्रॉब्लम नहीं, समझ में आया कि नहीं, थम्स अप करके बताओ, ठीक है बच्चों।
जैसा कि क्वेश्चन में था, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी, सिर्फ डिवाइड करना आना चाहिए हमें, डिवाइड हमें आता है, हमने इजीली कर लिया। फ्रैक्शन में निकालना है तो फ्रैक्शन में निकाल दिया, अगर आपको पॉइंटों में निकालना होता है पॉइंटों में निकाल सकते हैं, यहाँ पे पॉइंट लगाएंगे, इसके आगे एक जीरो ले लेंगे, फिर उसको आगे सोल्व कर देंगे, ठीक है, कोई प्रॉब्लम थोड़ी ना। तो हो गया, तो इसके स्क्रीन शॉट ले लो, और तुम बस शॉर्टकट में तो बेटा लैंग्वेज बाद में कर लेना, अभी है ना, तुम सीधे जो कैलकुलेशन करनी होती है वो क्या करो, लैंग्वेज बाद में कर लिया ना बेटा। ये जो भी ऋतिक कुमार है ना, मैं इस क्लास से आउट करने वाला हूँ, लास्ट वार्निंग है इसके लिए, ये फालतू के कमेंट कर रहा है, आई डोंट नीड दीज स्टूडेंट्स इन माई क्लास, सो आई विल थ्रो हिम फ्रॉम द क्लास, ओके। आप देखो क्वेश्चन नंबर हम करते हैं बच्चों 8, एमसीक्यूज के क्वेश्चन है, आप लोगों को रिप्लाई करना है, आंसर देने हैं, बहुत इजी क्वेश्चन है, डिवाइड के क्वेश्चन है सभी, तो सभी को डिवाइड आते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, बस कहीं कहीं पे प्रॉब्लम्स आती है जब फ्रैक्शन हमारे सामने आ जाती है, तो मैं इसको इरेज कर रहा हूँ बेटा, ठीक है। तो चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 एमसीक्यूज का क्वेश्चन है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, ईच साइड ऑफ स्क्वायर इज 4 राइट 1 अपॉन 2, ये साइड यानी ए की वैल्यू है स्क्वायर के अंदर, ठीक है, ठीक है। अब हमें इसका क्या बताना है बेटे, एरिया बताना है, तो आप जानते हैं एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है बच्चों, साइड इंटू साइड यानी कि साइड स्क्वायर, ए स्क्वायर होता है ना, और ए की वैल्यू कितनी दी है 4.5, तो 4.5 का स्क्वायर मतलब 4.5 × 4.5, यही तो होगा बच्चों, स्क्वायर का मतलब उसी नंबर को उसी से मल्टीप्लाई करना, तो 4.5 को सिंपल फ्रैक्शन में बदलोगे तो 4 × 2 = 8 और 1 कितना हो गया बच्चों 9 अपॉन में वापस 2, फिर देखो 4 × 2 = 8 ये प्लस होता है 1, तो 8 और 1 9 अपॉन 2, अब इसको सोल्व करेंगे तो 9 × 9 = 81 डिवाइड बाई 2 × 2 = 4, 4 का डिवाइड दो बेटे 4 × 2 = 8, 1 में नहीं जा रहा है तो 0, तो 1 वापस बच गया 1/4 सेंटीमीटर स्क्वायर, दैट इज आवर आंसर। मैच करो कहां पे दिख रहा, तो बेटे इसके ऑप्शन थे, फर्स्ट ऑप्शन था 20 × 1/4, सेकंड ऑप्शन था बेटे 30 × 1/8, थर्ड ऑप्शन था बच्चों 30 × 5/6, और फोर्थ ऑप्शन था बच्चों 20 × 5/6, और सभी पे मीटर स्क्वायर लगेगा क्योंकि एरिया की यूनिट में स्क्वायर लगता है, ये मीटर में गिवन है तो एरिया मीटर स्क्वायर में आएगा, ठीक है। तो बताओ कौन सा आंसर रहेगा, कौन सा रहेगा बच्चों, फर्स्ट ऑप्शन, ठीक है। अब एक बात मेरी जान लो, कितने बच्चे हैं जिनको 30 तक स्क्वायर लर्न है में से, बेटे मैं आपको बता दूं, अगर आप नेक्स्ट ईयर फाउंडेशन की तैयारी के लिए इधर आए हैं तो आप लोगों को स्क्वायर, स्क्वायर रूट, क्यूब एंड क्यूब रूट कुछ नंबर्स तक आपको आने चाहिए, जिस टाइप से हम बोलते हैं ना कि 40 तक टेबल सभी को आने चाहिए, उसी टाइप से कुछ लिमिट तक स्क्वायर भी आपको आने चाहिए, अगर वो नहीं आते हैं तो आपके लिए कैलकुलेशन हार्ड हो जाती है, ठीक है। आप मल्टीप्लाई करेंगे उसमें आपका 1 से 2 मिनट बेकार होगा, तब तक आप पीछे रह जाओगे, लोग क्वेश्चन पेपर करके निकल जाएंगे और आपके क्वेश्चन छूट जाएंगे, समझ रहे हैं। तो अपनी स्पीड को इंक्रीज करने के लिए ये जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, स्क्वायर हो गया या कुछ नंबर्स के मल्टीप्लाई हो गए, उनकी 100 ट्रिक हमें पता होनी चाहिए, बिकॉज हम इन सबको रट तो सकते नहीं, लेकिन इनकी जो ट्रिक्स हैं उनको हम याद रख सकते हैं, जिसके हेल्प से हम एक ट्रिक रहेगा और उसके हेल्प से पूरे स्क्वायर हमें याद हो जाएंगे, ठीक है। उसको आप फाउंडेशन क्लास में पढ़ोगे और मुझे टाइम मिला तो मैं भी बीच बीच में आपको ऐसी चीज़ें बताता रहूँगा, ठीक है। तो कोई भी बच्चा एक भी दिन क्लास मिस नहीं करेगा, डेली क्लास लेनी है, ठीक है। तो चलो अब चलते हैं अपने इसकी बात, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। बी ऑप्शन क्या है बच्चों इसका, ये तो ईजी है, सभी बता देंगे बेटा। 5/6 of 450, जल्दी बताओ, मैं आपको ऑप्शन दे रहा हूं, इज बताओ
फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट ऑप्शन है 270, सेकंड ऑप्शन है बेटे 290, थर्ड ऑप्शन है बच्चों 170 और फोर्थ ऑप्शन है मेरे बच्चे 190। जल्दी से आंसर कमेंट करो बेटा। काफी बच्चों को याद भी है, वेरी गुड। 30 तक स्क्वायर याद है सभी बच्चों, जिनको याद नहीं हो याद कर लेना, क्योंकि ये काम आने वाली चीजें हैं, कभी भी याद आ सकते हैं, कभी भी काम आ सकते हैं। ठीक है, क्या आंसर है बेटे? तो चलिए बेटे चेक करते हैं कितने बच्चों ने सही किया अपना मैच करना। 5/6 बेटे, हम पहले ही बात कर चुके हैं, ओप का मतलब होता है मल्टीप्लाई, 450। अब पहले इनको मल्टीप्लाई कर लो या फिर इसका डिवाइड कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं इनको मल्टीप्लाई कर देता हूँ। 5 5 25 टू कैरी, 5 4 20 और 222 और आगे 0 है तो 0। अब 6 का डिवाइड हम इजीली कर लेंगे, 6 का डिवाइड 2 में तो जाएगा ना, तो सीधे 22 में देते हैं। 6 3 18, 18 में गया 3 टाइम, तो 18 से कितने ज़्यादा हैं, 4 ज़्यादा है ना, तो 4 यहाँ पे बच जाएगा। अब 6 7 42 में कितने बार गया, 7 टाइम, तो 3 बच गया अभी भी, तो यहाँ पे 3 आ जाएगा, अभी हो गए 30। 6 5 30, 375 हमारा करेक्ट आंसर है। कौन से ऑप्शन में दिख रहा है बेटे, इसमें किसी में भी नहीं है, तो आई थिंक इसमें ऑप्शन देना चाहिए था या फिर इस क्वेश्चन में मिस प्रिंट किया उसने। ठीक है, तो मैं आपके सामने इसमें 375 दे देता हूँ फोर्थ ऑप्शन। ठीक है, अब कौन सा ऑप्शन आएगा बच्चों, 375। क्लियर है सभी को? अब बताओ कहीं पे डाउट है तो बोलो, अगर इसमें कहीं पे प्रॉब्लम दिख रही है तो वो बता सकते हैं आप, चाहो तो आप सीधे इधर भी दे सकते थे बेटे, 6 7 42 बच के 3, 6 5 30 भाई। अब 75 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो बेटे 5 5 25 के 5 2 करी, 5 7 35 और 2 कितना हुआ, 37, तो वो सही आंसर आ रहा है बच्चों। जिन बच्चों को समझ में आया थम्स अप कर दो, अब नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। बेटे नई बुक प्रिंट हुई है, लास्ट ईयर ही सिलेबस, इसी साल सिलेबस चेंज हुआ है ना, तो इसमें आप पहले भी देख चुके हैं बहुत सारी मिस प्रिंट्स आ रही हैं। इससे पहले 7th क्वेश्चन में मिस प्रिंट है इसमें, जो हमने जस्ट बिफोर किया है, 309 कुछ आंसर आया था, तो इसके मिस प्रिंट पे हम काम कर रहे हैं, धीरे धीरे हमें पता भी चल जाएगा ना, तो कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे आंसर आएगा हमारा कितना, 375। क्लियर है बच्चों? जिनको समझ में आ गया एक बार फिर से थम्स अप कर दो बेटा। नाइस, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सी ऑप्शन, तो हमारे इसका आंसर क्या आएगा बेटी, 375। सी ऑप्शन क्या है बच्चों, द कॉस्ट ऑफ, कॉस्ट ऑफ 1.5 kg, मीटर है सॉरी, 1.5 meter की जो कॉस्ट है वो है 6 rupees, तो बताओ बेटे 1 meter की कॉस्ट कितनी होगी, जल्दी आंसर दो। फर्स्ट ऑप्शन है 4 rupees, सेकंड ऑप्शन है बच्चों 8 rupees, थर्ड ऑप्शन है बच्चों 5 rupees और फोर्थ ऑप्शन है बच्चे 2 rupees। जल्दी से आंसर बताओ, हालांकि कुछ और ऑप्शन थे, मुझे पता है आंसर क्या आएगा इसका, इसलिए मैंने वो आंसर इसमें दे दिया है, ये कुछ भी आए लेकिन आंसर इसमें मिलना चाहिए। तो बेटे सीधी सी बात है, 1 + 1/2 यानी कि 1.5, 2 × 2 और 1 3/2 हो गए, इसकी कॉस्ट कितनी है बेटे, 6 rupees। हमें किसकी कॉस्ट चाहिए, 1 meter की, तो क्या करेंगे हम, पहले इसको 1 बनाएंगे, तो 1 बनाने के लिए हम क्या कर लेते हैं, इसके मल्टीप्लाई में x कर लेते हैं। ठीक है, तो ये इधर आएगा, तो x की वैल्यू कितनी आएगी, 6 मल्टीप्लाई में ये इधर आएगा, तो उल्टा हो जाएगा, 2/3 हो जाएगा, 3 का डिवाइड 6 में दोगे 2 टाइम जाएगा बच्चे, 3 2 = 6, तो 2 2 कितना आ गया x की वैल्यू, 4 rupees।
अब आप वैसे भी देख सकते हैं 4 रुपीज का 1 मीटर, तो 2 रुपीज का कितना आएगा बेटे, हाफ मीटर, तो ये टोटल 6 रुपीज हो गए। कितना आ रहा है, 1 एंड हाफ। बात समझ में आ रही है कि नहीं? कितने बच्चों को समझ में, एक बार थम्स अप करो बेटा। तो आंसर क्या आएगा इसका, 4 रुपीज। क्लियर है बच्चों? अब इसका डी ऑप्शन देखो बच्चों। अब ये तो बहुत आसान है, आप सभी कर देंगे बेटे। 1.2 × 1.2, जल्दी से आंसर कमेंट करो बेटे, इसका क्या आएगा। ए ऑप्शन है बेटे 1.44, बी ऑप्शन है बेटे 14.4, सी ऑप्शन है बेटे 144, और डी ऑप्शन है बच्चों 0.144। जल्दी से आंसर कमेंट करो। ओ वाओ, किसी बच्चे ने आंसर कमेंट किया है 1.44, एकदम करेक्ट आंसर है बेटे। पहले हम क्या करेंगे, 12 × 12 करेंगे, यानी कि 12 का स्क्वायर हमें पता है कितना आता है, 144। अब एक वन डिजिट इसका और वन डिजिट इसका, तो 2 डिजिट छोड़ के पॉइंट लगाएंगे, तो 1, 2 छोड़ के पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा, तो 1.44। क्लियर है सभी का? लास्ट ऑप्शन है एमसीक्यूज का, वो देख लो बेटा एक बार। ई में क्या है बच्चों, 5.34/10, बहुत इजी है। बताओ इसका आंसर क्या होगा, जल्दी से आंसर कमेंट करो। फर्स्ट ऑप्शन है बेटे 53.4, सेकंड ऑप्शन है 534, थर्ड ऑप्शन है बच्चों 0.534, और फोर्थ ऑप्शन है बच्चे 0.543। जल्दी से आंसर बताओ क्या आएगा। वेरी नाइस। देखो हमें पहले भी पता था, जब भी 10 का डिवाइड करेंगे तो पॉइंट जो है 1 प्लेस पीछे खिसक जाएगा, तो पॉइंट यहाँ पे है, 10 का डिवाइड हो रहा है, जिसको आप पीछे खिसकाएंगे तो 5 के इधर पॉइंट आ जाएगा, यानी कि 0.534 किस में दिख रहा है, थर्ड ऑप्शन में दिख रहा है। ठीक है, तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड। जिन बच्चों को समझ में आ गया एक बार थम्स अप कर दो बेटा। वेरी नाइस, मतलब सभी को समझ में आ रहा है, आपको आया? तो जिन बच्चों ने क्लास मिस कर दी है बेटा, मैं आपको बताना चाहूंगा, घर पे जो बच्चे रह रहे हैं उनके पास पाठशाला ऐप है अपने स्कूल का, उसमें आप लेक्चर्स या फिर नोट्स वाले सेक्शन में जाकर, ये पीडीएफ में भी आपको मिल जाएगा आई थिंक, या फिर वीडियो तो जरूर मिल जाएगा आपको, डेट के हिसाब से मिल जाएगा, लेक्चर दे रखे, लेक्चर फर्स्ट, लेक्चर सेकंड, इस टाइप से 2 या 3 लेक्चर्स को आप देख लेना, आपको पता चल जाएगा कौन से भी क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, तो 2.7 के बाद हमारी ये एक्सरसाइज सेकंड है वो फिनिश होती है बेटे। इसके बाद जो हम नेक्स्ट एक्सरसाइज चलाएंगे, थर्ड एक्सरसाइज चलाएंगे, जिसका नेम है डेटा हैंडलिंग। तो आज हमारे पास जितना टाइम है उसमें हम कोशिश करते हैं इसके बेसिक को कंप्लीट करने की। ठीक है बच्चों, तो बेसिक ज़्यादा नहीं है इसका, मैं शॉर्टकट में करवाऊंगा और आपको समझ में भी आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए करते हैं इसका बेसिक बेटा। आज चलेगी हमारी एक्सरसाइज 3, डेटा हैंडलिंग चैप्टर 3, डेटा। देखो बेटा ये जो बुक है इसके अंदर एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा है, ठीक है, तो उसमें काफ़ी टाइम लगता है, हर एक्सरसाइज में 10 to 15 क्वेश्चन भी, मतलब 10 से ज़्यादा ही, कोई रेयर चांस होगी जिसमें 10 से कम क्वेश्चन है, अदरवाइज 10 तो मिनिमम ही है। तो डेटा हैंडलिंग में सबसे फर्स्ट वर्ड जो हमारे पास आ रहा है वो डेटा का आ रहा है, तो इसके बारे में जान लेते हैं क्या होता है। तो डेटा जो है इंफॉर्मेशन या फिर कलेक्टेड इंफॉर्मेशन बोलेंगे, ठीक है, कलेक्टेड इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड डेटा। डेटा क्या होता है बेटे, कोई भी इंफॉर्मेशन जो आप कलेक्ट कर सकते हैं वो डेटा होती है। फॉर एग्जांपल, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास, नंबर ऑफ क्लास,
फॉर एग्जाम्पल आपका बैग है और उसमें बुक्स रखी हैं, हमें आपको पता नहीं है, तो आप क्या किए, बैग के पास गए, बुक्स को काउंट किया और उसको नोट कर लिया। तो जो आपने डेटा है उसको कलेक्ट कर लिया, मतलब उसके बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट किया आपने, इससे पहले आपको नहीं पता था उसके अंदर कितनी बुक्स हैं, लेकिन आप गए उसको देखा, उसको इंस्पेक्शन किया, तो आपको पता चला उसके अंदर ये बुक है, मान लो 10 है तो 10 लिख लिया। तो वो जो डेटा है वो कलेक्ट हो चुका है, इंफॉर्मेशन है वो कलेक्ट हो चुकी है, तो अब उसको हम क्या कहेंगे, डेटा रिलेटेड टू नंबर ऑफ बुक्स, समझ गए। ऐसे ही आपके क्लास टीचर है, उसको नहीं पता कितने बच्चे प्रेजेंट है कितने एबसेंट है, वो आएगा और सभी के अटेंडेंस बोलेगा, आप यस सर कहोगे, जो नहीं आएगा वो नहीं बोलेगा, तो उस हिसाब से उसको पता चल जाएगा कितने बच्चे प्रेजेंट है और कितने एबसेंट। तो ये इंफॉर्मेशन थी आपके अटेंडेंस से रिलेटेड, तो उसको हम क्या कहेंगे, डेटा। बात समझ में। अब ये डेटा है ना, इसको टू टाइप में डिवाइड किया गया, कौन कौन से हैं देखना एक बार, टाइप्स ऑफ डेटा, ठीक है। टाइप्स ऑफ डेटा टू टाइप का होता है, फर्स्ट जो होता है वो होता है बेटे प्राइमरी डेटा, और सेकंड जो होता है बेटे उसको बोलते हैं सेकेंडरी डेटा। अभी ये क्या चीज है मैं समझाता हूं, मान लो आपका क्लास टीचर आएगा, क्लास में आप लोगों को बोलेगा रोल नंबर 1, 2 या फिर नेम से बोलेगा, अमित, अंकित, विशाल, जो भी है, जिस हिसाब से वो अटेंडेंस आपकी बोलेगा, आप यस सर नो सर बोलेंगे, ठीक है। तो जो नहीं आएगा उसके लिए कोई तो बच्चा बोलेगा सर एब्सेंट है या नो सर, तो इस टाइप से वो आपकी इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर ली उसने और रजिस्टर में नोट कर दिया, वो कैसा डेटा है, प्राइमरी डेटा, ठीक है। मतलब डायरेक्ट कहाँ से कलेक्ट किया गया, रिसोर्स से, आप रिसोर्स हो, आपकी वजह से इंफॉर्मेशन मिल रही है ना, तो आप रिसोर्स हैं। अब रिसोर्स से जो डाटा डायरेक्ट कलेक्ट किया जाता है वो होती है प्राइमरी डाटा। अब क्या हुआ बेटे, उस अटेंडेंस रजिस्टर को क्लास टीचर ले जाके ऑफिस में रख देता है, उसके बाद प्रिंसिपल मैम या सर आते हैं, उसको देखते हैं और वो पेज पर एबसेंट स्टूडेंट की लिस्ट बना के ले गए, ये बच्चे एबसेंट हैं, इनको क्लास में जाके या फिर इनको कॉल करवानी है। तो वो इन्फॉर्मेशन उन्होंने कहाँ से कलेक्ट की, प्राइमरी डेटा से, जो डेटा टीचर ने कलेक्ट किया था उसी डेटा से प्रिंसिपल मैम या सर ने नया डेटा कलेक्ट किया है, तो उसको हम बोलेंगे सेकेंडरी डेटा। सर सेकेंडरी डेटा क्या हुआ बच्चों, जो प्राइमरी डेटा से कलेक्ट किया डेटा है वो सेकेंडरी डेटा। कितने बच्चों की बात समझ आएगी, एक बार हम सब समझ गए। और एग्जांपल लेते हैं, मान लो हम फार्मर हैं, ठीक है, हमने खेती की और गेहूं पैदा किया, तो खेती से गेहूं पैदा डायरेक्ट किसने किया है, हमने किया है, तो हमारे पास जो गेहूं की बोरियां हैं वो कैसा डेटा है, प्राइमरी डेटा है, और उनको हम मार्केट में ले जा के बेच देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब जो हमारी बोरियां खरीद रहा है वो उनको आगे और बेचेगा, समझ रहे हैं ना, आगे बेचेगा, तो उसने तो बोरी पैदा नहीं की थी, उसने अनाज पैदा नहीं किया था, उसने हमारे अनाज को आगे बेचा है, तो फर्स्ट टाइम हमने बेचा तो वो प्राइमरी डेटा था, लेकिन हमारे बेचे हुए अनाज को भी वो आगे बेच रहा है। मान लो हमने 10 पैकेट्स उसको दिए ग्रेन के, और उनमें से 7 पैकेट्स और आगे बेच देता है, तो उसने हमारे डेटा में कुछ क्या इंफॉर्मेशन थी हमारे डेटा की, उसको क्या उसी से वापस डेटा दूसरे को ट्रांसफर किया, तो वो उसके लिए तो कैसा डेटा है, सेकेंडरी डेटा, और हमने कलेक्ट किया था कैसे डेटा है, प्राइमरी। तो ये क्या है, डेटा का टाइप है बच्चों, तो जो फर्स्ट टाइम डायरेक्ट रिसोर्स से हम कलेक्ट करेंगे वो प्राइमरी डेटा, और अगर हम प्राइमरी डेटा से डेटा कलेक्ट करके यूज करेंगे वो होगा सेकेंडरी डेटा। तो हमारे डेली लाइफ में बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, एक और एग्जाम्पल देता हूँ, आप सभी न्यूज देखते हैं, तो न्यूज रिपोर्टर जिस प्लेस पे कोई भी इंसिडेंट हो रहा है, घटना हो रही है, मान लो कहीं पे आग लगी है या फिर कहीं पे इलेक्शन चल रहे हैं या फिर कुछ भी ऐसी इंसिडेंट हो रहा है जिसको हम देख रहे हैं, तो वो रिपोर्टर जो है इंफॉर्मेशन कलेक्ट वहाँ से कर रही है और फिर हमें वो बता रही है। तो उसने कलेक्ट की तो वो प्राइमरी डेटा था, उस कलेक्ट की हुई इंफॉर्मेशन से हम लोगों को बता रहे हैं कि उस जगह ये घटना हुई, उस जगह ये इंसिडेंट हुआ, तो हमने दूसरे को बताया न्यूज़ देख करके, न्यूज़ दिखा रहे हैं हमें वो प्राइमरी डेटा है,
सेट है, बात समझ में आ गई होगी। प्राइमरी और सेकेंडरी का क्या लॉज है, सभी को क्लियर है तो थम्स अप कर दो एक बार फिर से। तो अब इनकी डेफिनेशन कैसे लिखोगे बेटा, डैग की स्पेलिंग में मिस्टेक बेटे। द डेटा कलेक्टेड डायरेक्ट फ्रॉम रिसोर्स, ठीक है, आगे आप लिख लो इज कॉल्ड प्राइमरी डेटा। ऐसे सेकेंडरी डेटा क्या होगा, द डेटा कलेक्टेड फ्रॉम प्राइमरी डेटा, ठीक है। तो जो डेटा प्राइमरी डेटा से कलेक्ट किया जाएगा उसको हम क्या बोलेंगे बच्चों, बात समझ में आएगी तो दोनों की डेफिनेशन हमने राइट कर दी। ये इसका बस इतना सा बेसिक था। अब इस डेटा को हम क्या करेंगे, मैनेज करेंगे। मैनेज का मतलब अलग अलग टाइप से इसको कैलकुलेट करेंगे, इस पर हम काउंटिंग करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे, तो उसको हम बोलते हैं डेटा मैनेजमेंट। फॉर एग्जाम्पल मान लो आपने थ्री टाइप की बुक परचेज की, ठीक है, हिंदी इंग्लिश एंड मैथ्स। अब टोटल बुक्स आपको दिए हैं, ठीक है, अब उनको क्या अलग अलग सेक्शन के हिसाब से दिखाना है। भी इंग्लिश की मान लो आपने 100 बुक्स परचेज की, हिंदी की आप मान लो 150 बुक्स परचेज की, एंड मैथ्स की मान लो आपने 70 बुक्स परचेज की, तो उनकी नंबर अलग अलग है ना बेटा। तो उसको आप शो अप करो किसी भी वे में, जैसे मान लो आपके पास हो सकता है मैथ्स के स्टूडेंट कम हो सकता है हिंदी के स्टूडेंट ज़्यादा हो सकता है इंग्लिश की मीडियम स्टूडेंट हो, तो उस हिसाब से आपने परचेजिंग की। अब उसको आप शो करोगे, मतलब आपको शो करना पड़ेगा, दिखाना पड़ेगा किसी भी वे में। मान लो आप ये कहना चाहते हो भाई आपने जो 100 बुक्स इंग्लिश की परचेज की केवल 90 बुक्स हमारी परचेज हुई, ऐसे ही मान लो 150 बुक्स हिंदी की थी उसमें मान लो आपने 150 पूरी बेच दी, ऐसे मैथ की भी 60 बेच दी। तो अलग अलग डेटा है उसको आप किसी भी वे में रिप्रेजेंट करोगे किसी के सामने। मान लो वो कह रहा है कि इन सभी का मीन निकालो, मतलब जितनी टोटल बुक्स हैं उनको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दो, मतलब उनको इक्वल पार्ट निकाल दो। मतलब ये है मान लो 100 किसी की थी इंग्लिश की, 150 किसकी थी हिंदी की, और बेटे 80 किसकी थी मैथ्स की। अब मैं कहूँ मुझे नहीं पता ये बुक्स कितनी है, आप तो ये करो इनको इक्वल थ्री पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट कर दो, मतलब 100, 150 और 80 इन तीनों को ऐड कर देंगे तो कितना आएगा बेटे, 330 आएगा। इसको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है, मतलब मैं 3 का डिवाइड करूँगा कितना आएगा, 110। तो हम तीन स्कूलों में भेजेंगे, 100 इसमें, 100 इसमें, 110। इस टाइप से हमने इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया, तो हमने एक स्पेशल टाइप की क्या की इन पर कैलकुलेशन। अब हो सकता था कोई और कंडीशन हो सकती थी, जैसे मान लो मैं कहता फर्स्ट वाले स्कूल में डबल भेज दो, उससे नेक्स्ट वाले में हाफ भेज दो, उसमें 1/3 भेज दो, तो ये अलग कंडीशन हो गई। तो एवरी कंडीशन में हम अलग अलग टाइप से कैलकुलेशन करते हैं डेटा की, वो होता है डेटा मैनेजमेंट। हो सकता है मैं ऐसे कहूँ इनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में सेट करो, हो सकता है मैं कहूँ इनको डिक्रीजिंग ऑर्डर में सेट करो, तो ये क्या है डेटा मैनेजमेंट या फिर डेटा हैंडलिंग जो हमारे हेडिंग। तो हमने जो पूरा चैप्टर था उसका बेसिक प्लस उसका मीनिंग आपको समझा दिया है, आई थिंक सभी को समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो एक बार थम्स अप कर दो, फिर हम बेसिक की बजाय कुछ एग्जांपल्स लेंगे इसको पूरी करने के लिए। मैं इसको मिटा दूं बेटा, तो हमारे पास जो इसमें नेक्स्ट वर्ड जो आता है वो आता है अरिथमेटिक मीन।
आपके डेटा को आप एक्स मान लो तो समीशन ऑफ एक्स यानी कि डेटा का सम डिवाइड बाई नंबर ऑफ डेटा को आप एन मान लो, ठीक है। कैसे, आपके पास 10 स्टूडेंट हैं, उनके मार्क्स आ रहे हैं, एक कह रहे हैं 30, दूसरे कह रहे हैं 25, उससे अगले के 28, उससे अगले के आ रहे हैं बेटे 61 और उसके अगले के आ रहे हैं 64 65। अब इनका हमें क्या निकालना है, मीन निकालना है। क्या निकालना है बेटे, मीन। तो उसके लिए आप क्या करोगे, इनको सम करोगे, तो इनको सम कर देते हैं और फिर इसमें ये जितने हैं उसका डिवाइड कर देते हैं, 1 2 3 4 5 है तो इसमें 5 का डिवाइड कर देते हैं। कितने आएगा बच्चों, 5 और 1 6 6 और 8 14 और 5 19। मैं यहाँ पे 1 कर देता हूँ, थोड़ा इजी हो जाएगा। 19 और 1 कितना हो गया 20, 20 का 0 2 कैरी, 2 और 6 8 4 6 14 2 16 2 18 और 2 23 20 डिवाइड बाई 5 5 4 20 बच गया 1, 5 2 10। मीन कितना है इनका, 42 दे रहे बेटे। तो मीन जो है वो कैसे निकालते हैं, सभी डेटा का सम करते हैं, उसके डिवाइड में जितने हैं उसका डिवाइड कर देते हैं। क्लियर है? तो जब भी आपसे मीन निकलवाएगा तो आप ऐसा करेंगे।